कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो हमने और आपने काफ़ी ज़्यादा छापा फैक्ट्री के एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन मैं आज एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ जिसको आप कह सकते हैं कि वो बंदा जिसने इतने सारे गाने पाकिस्तान से कॉपी कर कर गाए हुए हैं, उसको आप कह सकते हैं कि वो अब CEO बन चुका है, द न्यू CEO ऑफ छापा फैक्ट्री, बॉलीवुड छापा फैक्ट्री आप कह सकते हैं उसको। 12 क्लासिक पाकिस्तानी सॉन्ग्स कॉपीड बाई बॉलीवुड, जुबिन नौटियाल। ये वीडियो हम देखने वाले हैं, जुबिन नौटियाल के माथे पर ज़िंदगी भर के लिए एक टैग लग चुका है कि वो बहुत ज़्यादा कॉपी गाने गाते हैं, उसी से उनका नाम चल रहा है। देखते हैं इस वीडियो को भी भाई, कौन कौन से गाने हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी सिंगर्स की आवाज, इनकी शायरी, म्यूजिक, ये सब कुछ इतना जबरदस्त होता है कि हमारे आज से 50 साल पहले के गाने भारतीय, यानी कि हमारे पड़ोसी, बहुत ही शौक से कॉपी करते हैं। और आजकल तो जहां भी बड़े बड़े इनके सिंगर्स कॉन्सर्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ऑडियंस इनके फेवरेट गाने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मशहूर गानों की आवाज लगाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया के बहुत ही मशहूर सिंगर है जिनका नाम है जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल ने आज तक अपना कोई गाना नहीं गाया और ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का कोई ना कोई गाना चुप करके आराम से चोरी करके, मेरा मतलब है छापा मार के, कॉपी करके आराम से बना लिया जाए और सुपरहिट हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जुबिन नौटियाल के वो तमाम गाने बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने चुपचाप पाकिस्तान से चोरी किए हैं, और साथ ही साथ उन गानों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें उन्होंने अपने मुल्क से चोरी किया है। आई मीन छापा मारा है यार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा, बेशक गुस्सा भी आए कर दीजिएगा। आपको एक बात जानकर काफी हैरानगी होगी कि जुबिन नौटियाल अभी एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गए और वहां पर ऑडियंस में से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कहानी सुनो, कहानी सुनो। तो फिर जुबिन नौटियाल मजबूर हो गए उनको कहानी सुनो सुनाने पर। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं ओरिजिनल और उसके बाद आप सुनिएगा छापा। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। उन्होंने उस गाने को सुनाया, उसके बाद उन्होंने उस बैंड का बहुत शुक्रिया अदा किया, ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, इवन के सबका शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कैफी खलील का नाम नहीं लिया। इससे क्या साबित होता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। नेक्स्ट, जुबिन नौटियाल ने नुसरत फतेह अली खान साहब का वो गाना कॉपी किया जो खान साहब ने 1991 में गाया था। गाना था दिल पे जख्म खाते हैं। ये गाना 1991 में फतेह अली खान साहब ने गाया था और फिर जुबिन नौटियाल ने 2022 में इसको चुप करके कॉपी कर लिया। यकीन नहीं आ रहा, चलो पहले आपको ओरिजिनल सुनवाते हैं और फिर आपको कॉपी। दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट है अताउल्लाह खान, इसा केलवी साहब का वो गाना जो उन्होंने 1992 में गाया था। क्या जबरदस्त उस गाने के बोल थे, बेवफा तेरा यू मुस्कुराना। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। क्या जबरदस्त बोल थे भाई, कि बेवफा जो है बेवफाई करने के बाद जब मुस्कुराता है तो हाय आशिक के दिल पर क्या बीती होगी। ये उन्होंने 1992 में गाया था और जुबिन नौटियाल ने बड़े आराम से 2022 में कॉपी कर लिया था। भाई अगर यकीन नहीं है तो आइए आपको सुनवाते हैं असल और नकल। बेवफा यू तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं। बेवफा तेरा यू मुस्कुराना, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। नेक्स्ट वो गाना जो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन क्लासिकल सिंगर मेहदी हसन साहब ने 1979 में गाया था, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का। ये आपके लिए नहीं था बेगम, तुम्हारे लिए। ये गाना उन्होंने 1979 में गाया था। ये गाना भी जुबिन नौटियाल के हाथों से बच नहीं पाया और उन्होंने इस गाने को 2020 में
कॉपी कर लिया। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये गाना भी नुसरत अली खान साहब ने 1993 में गाया था, और नो डाउट आज भी उनके चाहने वाले इंडिया में लातादाद हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके गाए हुए गानों को बड़े शौक से सुनते हैं। लेकिन ये गाना भी जुब्बन नौटियाल के हाथ से बच ना पाया। इन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, जी कर में एक पाकिस्तानी ड्रामा आया था जिसका नाम था पॉलर वाली लड़की। उसमें पहली बार उस लड़की ने काम किया था जिसे आपने खुदा और मोहब्बत में फीदी की पड़ोसन के रूप में देखा था। यार कितनी खूबसूरत वो लड़की है, वुडियो वुडियो चुट्टी गोरी खूबसूरत बाल, हाय हाय यार उसकी खूबसूरती का तो मैं इतना दीवाना हूं ना यार। बेगम मैं आपकी बात कर रहा था, आप कितनी खूबसूरत है। तो खैर मैं ये आपको बता रहा था कि उस लड़की ने पहली बार उस ड्रामे में काम किया था और उसका पहला डेब्यू ड्रामा था। उस ड्रामे का ओएसटी था दिल गलती कर बैठा है, और इस गाने को भी फेक न्यूज के साथ फैलाया जा रहा था कि ये गाना भी नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, जबकि ये गाना पहली बार 2018 में सहर गुल खान लड़की ने गाया। अच्छा। ये गाना भी जुबिन नौटियाल ने 2021 में गाकर अपने आप को खुश कर लिया। दिल गलती कर बैठा है, दिल हमारा हमारा बोल हमारा, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, बोल कफारा कफारा बोल कफारा। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ये गाना अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने 1992 में गाया। इस गाने को भी जुबिन नौटियाल ने जप्पा डाल लिया। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको दोबारा ना मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ये गाना भी नुसरत फतेह अली खान साहब ने 1988 में गाया था। ओए होए साढ़े पैदा होने तो ही पहले गाया सी। कितना सियाणा यार ये जुबिन नौटियाल भी ना, इतने पुराने पुराने गाने चुप करके कॉपी करता है कि दुनिया को पता नहीं चलेगा। ओ भाई ये वो गाने हैं जो पाकिस्तान में आज भी हर दूसरी तीसरी दुकान पे या गाड़ी में बज रहे होते हैं। आपने क्या समझा, हमारे हाथों जुबिन भैया बच जाएंगे? अरे नहीं भैया, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। तुझे भूलना तो चाहा पर भुला ना पाए, ये गाना भी अताउल्ला खान ने 90s में गाया, और इस गाने को भी जुबिन नौटियाल ने 2021 में समझते गए उसको। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। नेक्स्ट वो गाना जिसके बोल हैं लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। भाई ये वो गाना है जिसने असल में जुबिन नौटियाल को शोहरत दी है, क्योंकि इस गाने के व्यूज 1 अरब से भी ज्यादा हैं, और उसकी वजह शायद जुबिन नौटियाल नहीं बल्कि इमरान हाशमी है। आप लोगों को पता ही है इमरान हाशमी के शागिर्द इतने ज्यादा हैं कि भाई इतने चाहने वाले हैं पाकिस्तान इंडिया में। आपको पता ही है यार इमरान हाशमी से कितना कुछ सीखा, आप लोगों ने खुद सीखा होगा, पता तो है आपके, आपके भी टीचर हो सकते हैं वो है। बड़े तेज हो भाई, इसीलिए तो उस गाने ने 1 अरब से भी ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। भाई ये गाना आपको पता है आज से 30-40 साल पहले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब गा चुके हैं, जिसको जुबिन नौटियाल ने 2022 में कॉपी किया था। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, वफा नाराज आई यार। असल में मैं सुर लगाने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि यार उस्ताद अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब के कितने 4-5 तो उनके पास फेफड़े हैं जिसमें वो इतना जोर लगा के गाना गाते हैं। भाई ये गाना है वफा ना रास आई,
ये गाना भी उन्होंने 1991 में गाया था और जुब्बिन नौटियाल ने 2021 में इस गाने को भी कॉपी किया। वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाए, वफा नाराज आई तुझे ओ हर जाए। ये तो मुझे उतावला साहब से या फिर उनके बच्चों से पूछना पड़ेगा, जुब्बिन नौटियाल ने आपको कितना कोई खर्चा बर्चा भेजा है, हैं? तो भाई हर गाना आपने 2021 में आराम से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट है वो गाना जो मैं समझता हूँ सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, भाई गम है या खुशी है तू बस मेरी जिंदगी है तू। भाई इस गाने को भी नुसरत फतेह अली खान साहब ने आज से न जाने 40-50 साल पहले गाया था और इस गाने को जुब्बिन नौटियाल ने 2021 में हमेशा की तरह छापा मार के कॉपी कर लिया है। आप सुनिए और जरा मुझे बताइए कि अब जुब्बिन नौटियाल की हमारे कौन कौन से गानों पर नजर होगी। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है भाई। ये थे वो पाकिस्तानी गाने जिनकी वजह से जुब्बिन नौटियाल एक बहुत बड़े स्टार बन गए। ये बात तो मानने वाली है कि तकदीर और मुकद्दर नसीब सब कुछ उनका अपना था, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की, उन्होंने एक पाकिस्तानी गानों को चूज किया और अगर वो कहीं क्रेडिट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देते तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पर इंडियन रिएक्शन करते हैं लेकिन रिएक्शन देते हुए वो कभी भी नहीं कहते कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को विजिट करें, क्रेडिट नहीं देते, बल्कि हमारी वो खास बातें जो हम करना चाहते हैं उनको कट ऑफ कर देते हैं, काट कर अपने मतलब की चीजों को लगाकर हमारी ही वीडियो से वो पैसे भी कमाते हैं, हमने मेहनत की होती है लेकिन वो क्रेडिट नहीं देते। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो हमारी वीडियोस पर रिएक्शन देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपको ना तो कॉपीराइट भेजते हैं ना ही हम चाहते हैं कि हम आपको कोई स्ट्राइक दें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारी वो खास बातें जो हम करना चाहते हैं आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं उनको जरूर ऐड किया करें और हमारे चैनल के हवाले से भी जरूर बताया करें। पाकिस्तान हो या इंडिया, इंसानों के लिए इंसानियत हमेशा रहेगी जिंदा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, पावे अथे रहो पावे अब्टाबाद रहो, ख्याल रखिएगा। और स्मैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए इस वीडियो के अंदर, इनकी वीडियो का लिंक वहाँ पर मिलेगा ओरिजिनल वीडियो का, क्योंकि मैं हमेशा देता हूँ लिंक, ऐसा नहीं है मैं नहीं देता, कभी कभी ये बोलना भूल जाता हूँ कि इनकी वीडियो चेक करें, जबकि आपको पता है कि सबको पता है आज के टाइम में कि हम जो वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका लिंक बहुत से लोग नहीं देते हैं, मैंने देखा है रिएक्शन वाले, लेकिन मैं देता हूँ और बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन आज सबको पता है लिंक होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में, तो चेक करेंगे आप तो मिलेगा मिलेगा। बाकी इस वीडियो की बात करें तो यस, नाउ द न्यू CEO ऑफ बॉलीवुड छापा फैक्ट्री इज जुब्बिन नौटियाल। जुब्बिन नौटियाल बन चुके हैं, क्या बंदा है यार ये, इसको कुछ तो इतने गंदे कॉपी किए हैं, जिसको मैंने आपको बीच बीच में बताया कुछ गाने इतने बुरे हैं, इतने बुरे कॉपी किए हैं कि भाई उसको सुनने का दिल नहीं करता, उसके सुन लो अगर आप तो कानों से खून निकल आए आपके, ऐसे गाने कॉपी करे हैं जुब्बिन नौटियाल ने। यस लुट गए, ऐसे इनको फेम मिला और भी बहुत सारे गाने उन्होंने लगातार फिर कंटिन्यूसली इन्होंने 21 और 22 में बहुत ज़्यादा गाने हमें देखने को मिले कॉपी कॉपी कॉपी। तो ये कंट्रोवर्सी 21 और 22 में उठी भी थी, 22 में बहुत ज़्यादा उठी थी कि जुब्बिन नौटियाल ये गाना कॉपी कर रहा है, वो गाना कॉपी कर रहा है। उनको नेम फेम जो भी मिला है आज के टाइम में वो पाकिस्तानी गानों की वजह से मिला है और पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को भी सब पता है, और जब ये बात निकल कर सोशल मीडिया पर आती है बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि उन्होंने पुराने गाने नहीं सुने हैं अगर 88 के 92 के गाने 91 के गाने, तो उनको जब पता चलता है कि ये गाना इसने कॉपी किया हुआ है तो उसको मैच कर देखते हैं, कह देते हैं कि हाँ जुब्बिन नौटियाल के फ़ैन हैं और हमें अच्छा लगा जुब्बिन नौटियाल का, लेकिन हाँ वहाँ पर एक बात आ जाती है कि है तो कॉपी यार, ये गाना इसने वहाँ से उठाकर कॉपी किया, एक लिरिक्स एक पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन में एक वर्ड भी बदल दिया, तो इस तरीके से पूरी रिदम सब कुछ सेम सेम रखकर गाने को बना दिया जाता है कॉपी कर के, उन्होंने अपने गाए हुए हैं वो गाने चले ही नहीं, कॉपी कॉपी चले हैं इनके सारे, क्यों कि पता है कम मेहनत नाम ज़्यादा, कंट्रोवर्सी भी होगी तो भी नाम होगा। बाय।